हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाई छवि सर। चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए सेकंड सेमेस्टर यूनिट 6 बायोग्राफी ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। सो लेट्स स्टार्ट द बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। और रॉबर्ट ब्राउनिंग की बायोग्राफी से सबसे पहले आइए इनकी बर्थ को जानते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म 7 मई 1812 यानी 7 मई 1812 को एट कैम्बरवेल लंदन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड लंदन के कैम्बरवेल नामक जगह पर 7 मई 1812 को हुआ था एंड बैप्टाइज्ड ऑन 14 जून 1812। बैप्टाइज्ड का मतलब होता है नामकरण करना। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो नामकरण किया गया वो 14 जून 1812 को किया गया था। आइए अब इनकी डेथ जानते हैं। 12 दिसंबर 1889 यानी 12 दिसंबर 1889 को एट द एज ऑफ 77 साल की उम्र में वेनिस किंगडम ऑफ इटली, इटली के एक राज्य वेनिस में इनकी मृत्यु 77 साल की उम्र में 12 दिसंबर 1889 को हुई थी। अब इनको जहां पर दफन किया गया उस प्लेस का नाम जानते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को वेस्ट मिनिस्टर एबी चर्चयार्ड में दफन किया गया था। दोस्तों, इनके फादर का जो नाम था वो भी रॉबर्ट ब्राउनिंग था, इसको याद रखिएगा। दोबारा कह रहे हैं कि इनके पिता का जो नाम था वो भी रॉबर्ट ब्राउनिंग ही था। अब मदर की बात करते हैं तो इनकी माँ का नाम सारा एना विडामैन था। मदर का नाम सारा एना विडामैन था। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो शादी हुई थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के साथ हुई थी। दोस्तों, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के साथ रॉबर्ट ब्राउनिंग की शादी, ध्यान रखिएगा, 1846 में हुई थी। और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की जो डेथ हुई थी वो 1861 में हुई थी। यानी शादी 1846 में हुई और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की मृत्यु 1861 में हो गई थी। आइए अब बात करते हैं की फैक्ट्स ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग के कुछ की फैक्ट्स की बात करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज एन इंग्लिश पोएट। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक इंग्लिश पोएट थे एंड प्ले राइट, और एक नाटककार भी थे। ही वॉज फेमस विक्टोरियन पोएट। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक फेमस विक्टोरियन पोएट थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, He is known as the father of dramatic monologue. रॉबर्ट ब्राउनिंग को ड्रामेटिक लॉग का फादर कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आ सकता है। अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की। His father was a clerk. इनके पिता एक क्लर्क थे, और कहाँ पर थे? The Bank of England. The Bank of England में इनके पिता क्लर्क की जॉब करते थे। बाय द एज ऑफ 12, 12 साल की उम्र में आते आते रॉबर्ट ब्राउनिंग हैड रिटन अ बुक ऑफ पोएट्री। 12 साल की अवस्था में आते आते रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बुक ऑफ पोएट्री लिखी, विच ही लेटर डिस्ट्रॉयड फॉर वांट ऑफ पब्लिशर। वांट ऑफ का मतलब होता है कमी होना, यानी जो बुक ऑफ पोएट्री लिखी इसमें इनको पब्लिशर्स नहीं मिल पाया, इस कारण से इस रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बुक ऑफ पोएट्री को डिस्ट्रॉयड कर दिया था, नष्ट कर दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ही वॉज एजुकेटेड एट होम। ये शिक्षित हुए अपने घर में बाई अ ट्यूटर, एक ट्यूटर के द्वारा। By the age of 14 और 14 साल की उम्र में आते आते ही वॉज फ्लुएंट, ये फ्लुएंट हो गए किस भाषा में? फ्रेंच में, ग्रीक में, इटालियन में
एंड लैटिन इतनी भाषाओं में ये फ्लुएंट हो चुके थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, ही बिकेम एन एडमायरर। एडमायरर का मतलब होता है प्रशंसा करने वाला, एडमायर मतलब प्रशंसा करना और एडमायरर का मतलब प्रशंसा करने वाला। तो जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे वो प्रशंसा करने वाले बन गए थे ऑफ द रोमांटिक पोएट्स, किसके? रोमांटिक पोएट्स की प्रशंसा करने वाले ये बन गए थे, स्पेशली पी बी शैली। याद रखिएगा किसकी प्रशंसा करने वाले बन गए थे, पी बी शैली की ये प्रशंसा करने वाले बन चुके थे। नरेटिव पोयम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये जो पोयम है जिसका नाम द रिंग एंड द बुक है, एक लॉन्ग ड्रामेटिक नरेटिव पोयम है रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। इस पोयम को रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया था। रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज कॉल्ड अ पोएट ऑफ मैन। रॉबर्ट ब्राउनिंग को अ पोएट ऑफ मैन कहा जाता था, अ पोएट ऑफ मैन की संज्ञा दी गई। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे वो ए एल टेनिशन के कंटेम्परेरी राइटर माने जाते हैं, कंटेम्परेरी पोएट माने जाते हैं, यानी समकालीन कवि माने जाते हैं। अब बात करते हैं आपके सिलेबस में जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम है माई लास्ट डचेस, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा इस पोयम के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम में निश्चित ही इससे आपको प्रश्न मिलेंगे। तो पहला पॉइंट जो है आपका, दिस पोयम वॉज रिटन इन 1842। ये जो पोयम है माई लास्ट डचेस वो 1842 में लिखी गई। इट इज़ अ 56 लाइन पोयम। यह पोयम 56 लाइन की पोयम है। अब इस पोयम की राइमिंग स्कीम की बात करते हैं, राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोयम। इस पोयम की जो राइमिंग स्कीम है, ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे ये पोयम बढ़ती रहती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दिस पोयम माई लास्ट डचेस, ये जो पोयम है माई लास्ट डचेस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग पोयम है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, थीम ऑफ दिस पोयम इज, इस पोयम की जो थीम है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वोमेन, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन एंड सोशल स्टेटस, यानी महिलाओं का वस्तुकरण करना, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन नियंत्रण और हेरफेर करना, एंड सोशल स्टेटस यानी सामाजिक स्थिति, ये पोयम की थीम है। अगला पॉइंट, माई लास्ट डचेस पब्लिश्ड, माई लास्ट डचेस पोयम पब्लिश्ड हुई इन अ कलेक्शन ऑफ पोयम, कलेक्शन ऑफ पोयम्स में, और ये जो कलेक्शन ऑफ पोयम्स था वो रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया था, और कलेक्शन ऑफ पोयम का जो नाम था वो था ड्रामेटिक लिरिक्स। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। दिस पोयम बिगिंस विद द ड्यूक ऑफ फरेरा। ये जो पोयम है बिगिंस मतलब शुरू होती है ड्यूक ऑफ फरेरा से। ये ड्यूक ऑफ फरेरा कौन है? ए हिस्टोरिकल फिगर, एक ऐतिहासिक फिगर है फ्रॉम द इटालियन रिनेसेंस, जिसे इटालियन रिनेसेंस से लिया गया था। दिस पोयम इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट। ये जो पोयम है बेस्ड ऑन मतलब आधारित है, किस पर आधारित है? हिस्टोरिकल इवेंट्स पर आधारित है। इन्वॉल्विंग, इसमें शामिल है अल्फोंसो। अल्फोंसो कौन था? द ड्यूक ऑफ फरेरा, यानी पोयम में जो ड्यूक ऑफ फरेरा है उसका नाम अल्फोंसो है, हु लिव्ड इन द 16th सेंचुरी, जो 16वीं शताब्दी में रहा करता था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, द ड्यूक इज द स्पीकर ऑफ दिस पोयम। ये जो ड्यूक ऑफ फरेरा है यही इस पोयम का स्पीकर है। अब बायोग्राफी से लास्ट पॉइंट जानते हैं। माई लास्ट डचेस कंप्राइजेस, कंप्राइजेस का मतलब होता शामिल है होना। माई लास्ट डचेस में शामिल है राइमिंग, कैसी राइमिंग शामिल है? पेंटामीटर लाइंस इसमें शामिल है। तो दोस्तों ये थी बायोग्राफी रॉबर्ट ब्राउनिंग की।
आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए, और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाई छवि सर चैनल।